के बाद 400 बार 24 में 400 बोली सर का ट्रीटमेंट है क्या 4 जून को एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 400 पार होगा कि नहीं, और वो अगर होगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाए जहां आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम देखे और एज वेल एज द निफ्टी 50 में पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुई रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 10:15 से लेके 10:50 जहां आप रियली बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो, 11:00 से लेके 1:20 और 2:45 से 3:30 के बीच में आप सैलून राइज स्टेज पे काम कर सकते हो जहां आपको ट्रेड्स मिलना ही मिलना है। कोई भी इवेंट्स बेस्ड ट्रेडिंग हो और बजट और डे हो या पर्टिकुलर मॉनेटरी आरबीआई की पॉलिसी हो, अगर आप टाइम ट्रेडिंग की दुनिया जानते हो तो आप वोलेटाइल मार्केट में भी एक अच्छा खासा गेन कर सकते हो। और कौन से ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाए तो 25 मई से लेके 25 जून के बीच में टाटा वाटर एंड आईओसीएल जैसे स्टॉक्स को अगर आप पिक करते हो तो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो सकती है। और रही बात निफ्टी 50 की पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 20 जून तक मार्केट में ओवरऑल नेगेटिविटी रह सकती है। अगर 22,000 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी नीचे ही सस्टेन होती है तो 21,750 एंड देन आफ्टर 21,300 का लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में ज्यादा करेक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी, समय के साथ चलो प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी।